आपने राजा भैया के लिए कहा कि उनका स्वागत है, तो क्या पिछली कड़वाहट और जो कुछ कहा वो सब आपने भूल के माफ कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके माननीय सदस्य मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो, जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज़्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे ही, दुखी होंगे। और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहेगा तो उसको जरूर साथ लेने लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं इंडिया गठबंधन जो है वो जातिवादी और परिवारवादी गठबंधन है, इनसे बच के रहा जाए। देखिए, कोरोना के समय पे हम लोगों ने एक वो प्रचार सुना था, दो गज दूरी, और अभी आपने देखा होगा कितने कदम की दूरी थी। ये तो दूरी पहले ही बनाए हुए हैं सरकार से। और फिर ये जो मिल्क प्लांट है उसी का उद्घाटन हुआ है ना, अमूल का प्लांट सुनने में आया कि उद्घाटन होने जा रहा है। ये अमूल के प्लांटों को लाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था, मुझे याद है। सबसे पहले भोगनीपुर, उसके बाद लखनऊ में, और तीसरे का एमओयू हुआ था वाराणसी में। सरकार को बताना चाहिए कि इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट आया है अमूल का। और इसके साथ साथ समाजवादी सरकार में जो किसानों को उनके दूध की सही कीमत मिल सके, इसके लिए पराग को 2000 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया गया था। और इसी फरीदाबाद में लगभग 100 करोड़ रुपए पराग को दिए गए थे। मुझे सुनने में आया है कि जो मशीनें, जो इक्विपमेंट्स, जो प्लांट की ज़रूरत की चीज़ें उस समय आई थी 100 करोड़ की, वो सब धूल खा रही हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, बर्बाद कर दिया। तो इन्हें सरकार को बताना चाहिए कि पराग में या अमूल में या और डेयरियाँ हैं उनमें क्या सुधार लाए। हम तो अपने यहाँ का जानते हैं, यूपी का पहला पराग का काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में उमरदा में समाजवादियों ने लगाया था। और इसलिए लगाया था कि किसान अगर अपने गाय का दूध उस प्लांट को देगा तो भैंस के दूध से 4 रुपये ज़्यादा गाय के दूध का पैसा दिया जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और हेमा मालिनी जी ने किया था, वो प्लांट बंद हो गया। सोचिए, वर्ल्ड क्लास ट्रेट्रा पैकिंग से लेकर के सब मिल्क के जो प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के प्रोडक्ट बनने थे, उस प्लांट को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। कौन छोड़ के जा रहा है पीडीए? अरे हमें तो सुना है कि पत्रकार भी पीडीए की तारीफ कर रहे हैं। सर चंद्रशेखर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ वो बात आनी है अभी, आखिरी में आनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़कर गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। मैं अपने अजीम भाई को और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता टीटू और पूर्व में रहे इनके परिवार से प्रधान और इनके सहयोगी साथियों का सबका स्वागत करता हूँ। और रुखसाना बेगम जो मेयर का चुनाव लड़ी थी उस परिवार से भी मेरी भेंट हुई है, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मदद करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मैं अजीम भाई का और टीटू और इनके जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका धन्यवाद देता हूं। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने की, इस देश का संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, हमारे भाईचारे को बचाने की, आपस की जो मिली जुली संस्कृति उसको बचाने के लिए ये दोनों लोग जो साथ आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लोग और हम सब लोग मिलकर के इनका वैसा ही सम्मान करेंगे जैसे पूर्व में हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा जी, बधाई हूँ मैं को बदला गया है, बधाई हूँ मैं। चंद्रशेखर को सीट मिलेगी क्या? नहीं, आप किस चैनल के हैं वो बता दो। मैं आज तक का हूँ। तो आज तक को क्या चिंता है किसको सीट मिलेगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा अध्यक्ष जी सवाल है। अरे आज तक वालों को तो खबर चलानी होगी ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो जब ब्रेकिंग न्यूज चलेगी तो बता देंगे आपको। अध्यक्ष जी, बदायूं की सीट, बदायूं के प्रत्याशी बदले रहे हैं, बदायूं में प्रत्याशी कमजोर साबित हुए क्या? कौन कमजोर हुआ? जो पहले जो आप जैसे शिवपाल जी का आप चेहरा। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये पार्टी की रणनीति है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोगों की सीट को बदलना चाहती है, जिसमें एक बदले जाएंगे अपनी सीट बदलना चाहते हैं और सबकी टिकट कटने जा रही है। आपको पता है फिरोजाबाद की टिकट कटने जा रही है भाजपा की, पता है? तो फिर कमजोर है क्या वो? इसका मतलब मैदान छोड़ के जा रहे हैं? आगरा की टिकट बदलने जा रही है, ये पता है आपको? तो देखिए सब पता है इनको। देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के एक के अलावा सबकी टिकट कटने जा रही है, जो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आसपास सब आप जानते हो, पत्रकार हो, आपस में पर्चे रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो आपको खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी टिकट काटने जा रही है एक के सिवा, और वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। या समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीट जीतता है तो क्या समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री पर दावा? अच्छा आपको क्यों चिंता है इस बात की? देखिए आप अगर खुश हो तो आपकी भावना से मैं अपनी भावना मिला दूं। आज आप जिले में भ्रमण पर आए हैं, आज का क्या उद्देश्य? आज का उद्देश्य है कि अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, चीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और दूसरा चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। अध्यक्ष जी क्या फिरोजाबाद की सीट कहीं फेरबदल हो सकता है? जैसे अजीम भाई भी शामिल हुए हैं, क्या फिरोजाबाद की सीट में कहीं फेरबदल? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल क्या? तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, जाओ।